हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप? आशा करते हैं सब ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पे देखिए, मैं दिन का खाना की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरी बननी है कढ़ी चावल, तो बच्चे गए हैं ट्यूशन, तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने सबसे पहले बेसन लिया है और इसमें लिया है 2 चम्मच दही डाल लिया मैंने, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है दही का डाल तो हल्का सा ना। तो पकौड़ी तैयार कर रही हूँ मैं यहाँ पर। तो इसमें मैंने मसाला वसाला ऐड किया है इसमें थोड़ा थोड़े, और यहाँ पे देखिए नमक हो गया, हल्दी मिर्च वगैरह, और ये हैं सारे दालें। तो इसमें हल्का सा मैं पहले इसको मिक्स करूँगी सारे मसालों को, उसके बाद मैं इसमें पानी वगैरह डालूँगी। तो यहाँ पर बननी है मेरी। और यहाँ पे देखिए, बाहर बहुत तेज़ धूप भी आई है आज, और कल नहीं होता ऐसा मौसम, लेकिन आज हो रहा है। कल हल्की सी बारिश थी, तो यहाँ पे देखिए मैं बारिश थी तो कपड़े वपड़े मैंने बालकनी में डाले हैं। और बच्चों, मेरे बच्चों को बहुत अच्छी लगती है जो ये है ना कढ़ी चावल, बहुत अच्छा मानते हैं। आराध्या तो बहुत ही अच्छा मानती है, तो मैंने कहा चलो रोज़ दाल दाल खाने से अच्छा ना, तो कभी कभी चेंज भी होना चाहिए, कभी कुछ कभी कुछ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इसका तो बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है पकौड़ी बनने के लिए। तो यहाँ पर पकौड़ी वगैरह बननी है मेरी, और यहाँ पर देखिए मैं बनाऊँगी। अभी मैंने चावल नहीं रखे थे, मैंने कहा चावल भी मैं साथ में बना दूँगी, तो दोनों चीज़ बन जाएंगी। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पकौड़ी, और सिंपल पकौड़ी हैं और कुछ नहीं है इस पर। तो यहाँ पे देखिए, मेरा ये हो गया पकौड़ी बनने के बाद। तो मैं आला बैटर तैयार कर रही हूँ, जो दही और बेसन का मिक्सचर होता है वो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी दही ले रखी है और थोड़ा बेसन ले रखा है, और उसमें डाल दिया है पानी, और दोनों को अच्छे से दोनों को मिक्स कर दिया, मतलब दही वगैरह जो भी होता है ना बेसन, दोनों को अच्छे से इसका मैंने घोल तैयार कर दिया है जो मैं उसमें बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने कहा, जब तक मेरा तेल वो हो रहा है हल्का सा गर्म, ऐसा मेरा तेल ज़्यादा था तो जितना था पकाया मैंने निकाल दिया, और जो ज़रूरत था उतना रखा है मैंने। तो इसमें मैंने डाला इस पर हल्का सा जीरा, तो उसके बाद मैं इसमें देखूँगी, उसके बाद मैं इसमें डालूँगी साबुत मिर्च नहीं होती है वो डाल दूँगी इस पर। तो ये है कि वो डालने के बाद मैं इसमें बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए, साबुत मिर्च भी डाल दिया है मैंने, उसमें मसाले ऐड कर दूँगी, धनिया हो गया, मिर्च हो गया, हल्दी हो गया, और ये सारे मसाले डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी नमक थोड़ा, और नमक डालने के बाद मैं इसमें लाल मिर्ची डालूँगी। तो लाल मिर्ची डालने के फिर थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्ची से मतलब टेस्ट अच्छा था मिर्ची, मतलब ये है कि कश्मीरी लाल मिर्ची तेज़ नहीं होती, मतलब ये है कि कलर अच्छा देती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने डाल दिया ऐसे, तो इसको डालने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी जो इसका बैटर मैंने तैयार किया था, ये देखिए मैंने सब डाल दिया। तो मेरी आराध्या बहुत ही अच्छा मानती है इसे, तो मैंने कहा चलो आज हम ये बना लेते हैं। तो साथ मैंने उसके लिए कुछ पकौड़े वैसे रख दूँगी साबुत, और कुछ इसमें मैं डाल दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो मैं इसको हल्का सा इसमें उबाल आने दूँगी, थोड़ा अच्छे से इसको मिक्स करके मतलब घोल दूँगी काफ़ी अच्छे से इसको फेंट के। तो यहाँ पे पता है मैं दूध गर्म करना भूल गई थी सुबह के टाइम, तो काफ़ी मतलब दुकान से लेके आए थे तो काफ़ी ठंडा और था ये दूध, मैंने कहा चलो बाद में ही गर्म कर दूँ, तो मैं भूल गई। तो मैंने अभी मैं दोपहर में गर्म करके देख रही, मैंने कहा चलो उबाल देती, नहीं फट जाएगा इन। तो ये तो यहाँ पे मैंने दूध भी गर्म करने रख दिया है, और साथ में यह है उसके बाद मेरे इसमें एक उबाल आ गया, तो मैंने इसमें पकौड़े जितने वो डाल दिया, कुछ पकौड़े मैंने रख दिया, आराध्या मेरी खाएगी करके। तो यहाँ पे देखिए मैं सारा समेट रही हूँ उसके बाद सामान, उसके बाद मुझे बनाना है चावल। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी, उसके बाद मैंने ये सब्जी कर दिया था, मेरा यहाँ पे दूध भी उबल जाएगा। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ बर्तन देख रही थी मैं चावल रखने के लिए, तो मुझे मिला नहीं तो मैंने इस पे रख दिया। तो यहाँ पे मैंने चावल निकाल के मैं चावल भी रख दूँगी बच्चों, और क्या कहते हैं ये है कि दूध उबल जाएगा उसके बाद मैं इस पे चावल रख दूँगी जब तक मेरा ये बनेगी। तो इसको कम से कम 15-20 मिनट में इसको पकाऊँगी, तो मतलब जितना पका उतना टेस्ट अच्छा आता है इसका। तो यहाँ पे देखिए मैं चावल भी बनाऊँगी, और यहाँ पे मैं देख रही हूँ, और मेरा ये क्या पता है ना, मैं इधर चावल वो कर रही थी ना, तो मैंने कहा चावल बनाने तक मेरा हल्का सा दूध उबाल आ गया था, तो मैं उसको गैस साफ़ कर रही थी हल्का सा। तो ये है आ ही जाता है ना, जब जैसे दूध का उबाल ऐसा आ जाता है पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे देखिए मैं चावल भी यहाँ पे फटाफट उसको धोने के बाद मैं इसको गैस पे रख के चढ़ा लूँगी, तो यहाँ पे मेरे चावल भी बन जाएंगे। और
मेरा खाना पीना बन गया दिन का, और आज मैंने दिन से ही अपना रूटीन स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने कहा देखती मैं जो मतलब क्या कहते हैं, मैंने सोचा मैं दिन से आज रूटीन अपना दिन का दिखाती हूँ। देखिए मैंने बनाया यहाँ पे कढ़ी, यहाँ पे है चावल, ये देखिए मेरा कहते हैं बहुत ही गर्म हो रहा है किचन में बहुत ही ज़्यादा। तो क्या कहते हैं गाइज, मैंने कहा दिन का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ आज से, और अभी बन गया मेरा खाना। बच्चे का भी टाइम होता है, बच्चों को बच्चे आएंगे 1:35 में, बच्चों की छुट्टी होती है, उनको भी लेने जाना पड़ेगा। अभी फिलहाल 1 बज रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये जो मेरी घड़ी है 5 मिनट मैंने इससे फास्ट रखा है, तो ये है कि सही रहता है अपना टाइम से, कोई भी हो ना अपना टाइम से निकलते हैं हम हर काम से। तो यहाँ पे ही ज़्यादा गर्म हो रहा है, पता नहीं इतना गर्म क्यों हो रहा है, और क्या कहते हैं उमस हो रही है, और गर्म धूप भी निकली हुई है आज। और मेरा खाना बन गया है, और बच्चों को लाऊंगी अभी मैं। देखो पापा का फ़ोन आता है, इनके वो ले आते हैं हस्बैंड जी, या मैं लेके आऊंगी, हस्बैंड जी लाएंगे या मैं लेके आऊंगी। हाँ 1 बज गया करेक्ट, अब मुझे लाने या तो लाएंगे या मैं लेके आऊंगी बच्चों को। और धूप ऐसी हो रही है, और मैं दिखाती हूँ बाहर धूप कैसी हो रही है, बहुत गर्म हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो ये क्या कहते हैं, तो मैंने कहा आज दिन का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ, बच्चे गए हैं अभी, अभी वो आएंगे बेचारे, आएंगे अब करना ही है ना, उनको पढ़ाई के साथ साथ देखना ही पड़ता है ना। और उसके बाद बच्चे आएंगे स्कूल से, उसके बाद आएंगे ट्यूशन जाएँ, उसके बाद थोड़ा आराम करेंगे वो, उसके बाद जाएंगे वो शाम को ट्यूशन। तो मैं बच्चे जब आएंगे तब बच्चों से मिलाऊंगी आपको ज़रूर। देखिए बाहर कितनी धूप है, ये देखिए मैंने कपड़े डाल रखे हैं, और ये देखिए मैंने चादर दीवार पे डाल रखी है, चादर एक चादर ये धोई है, बेडशीट धोई है मैंने एक, ये और ये देखिए कपड़े हैं, बालकनी पे ही एडजस्ट करना पड़ता है कैसे डाल रहे हैं मैंने, ये देखिए। और पायदान के लिए जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पे नीचे ही रख रखे हैं, देखिए इनको धो के मैंने यहाँ पे ही डाल रखे हैं। ये हैं कपड़े बच्चों के। तो यहाँ पे मैं बच्चों को नहीं लाई, इसके पापा लेके आ गए थे, मैं वो फोन आया था उनका, तो बोले तो मैं ले आऊंगा, चलते थे बच्चे यहाँ पे हैं। हेलो गाइस, आ गए, हाउ आर यू, गर्म कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा हो रहा है। बच्चे आ गए हैं स्कूल से, और क्या कहते हैं जी आ गए हैं, ये देखिए जो बेटा पैक कर कपड़े चेंज करो, वहाँ पे साइड में रख देना, और यहाँ पे मैं लगा, अब बच्चे आ गए हैं, बच्चे करेंगे कपड़े चेंज, उसके बाद बच्चे खाएंगे खाना पीना। तो बच्चों को देती हूँ खाना, बच्चों ने कर दिया कपड़े वगैरह चेंज, और दो खाना दे दो। चलो मैं खाना पीना देती हूँ। आज मैंने बन लो की मनपसंद बनाई है चीज, चावल चावल कहते हैं अच्छा लगते ना, तो यहाँ पर मैं बच्चों को देती हूँ खाना पीना। तो यहाँ पे देखिए मैं खाना खा रही हूँ, और मेरे बच्चों ने खा लिया था, तो आराध्या मैंने बोला आपको इतना अच्छा लगता है ना इसको, तो ये ऐसे पीने लग गई, तो मम्मा आप मुझे बहुत ही अच्छा बनाया करके काफ़ी अच्छा मानती है। तो यहाँ पे मैं देखिए अब उसके बाद मेरे सिंक में इतने बर्तन पड़ गए, तो मैं मतलब होता है ना जैसे कभी कुछ बनाओ तो ऐसे वो जाते हैं पकौड़ी वगैरह के बर्तन, फिर वैसे और
नाश्ते के बर्तन धोने के बाद भी इतने बर्तन हो जाते हैं ना, उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे बर्तन धो रही हूँ सारे, और बच्चों ने भी खा लिया था। मैंने कहा जब तक तुम आराम कर लो, फिर ट्यूशन का टाइम हो जाता है। उन्होंने कहा नहीं, मतलब ये होता है स्कूल का वर्क वर्क भी हो जाते हैं और ट्यूशन का थोड़ा ये हो जाता है, फिर उसके बाद थोड़ा बच्चे जाएंगे क्या, फिर आएंगे ट्यूशन से, थोड़ा ये है कि अपना खेलना वेलना करते हैं, फिर शाम हो जाती है बच्चे थक जाते हैं, फिर उनको नींद वगैरह आ जाती है, तो ऐसे ही रह जाता है बच्चों का। तो बच्चे क्या करते हैं, खाना खाने के बाद थोड़ा ऐसे ही लेटते हैं, टीवी वगैरह देखने के बाद अंदर सीधे जाते हैं ट्यूशन जाने से पहले पहले, मतलब वो अपना स्टडी वगैरह जो भी है उसका, उनका स्कूल का वर्क वो कम्प्लीटली कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं लगी हूँ अपने बर्तन वर्तन सब धोने में, तो यहाँ पर बर्तन मेरे धुल रहे हैं, बच्चे मेरे अंदर ही हैं अभी, टीवी देख रहे हैं, जब मैं आराम करूँगी तब वो चले जाएंगे अपना पढ़ाई के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं सारे बर्तन धो रही हूँ, आराध्या को भी मैं सुलाऊंगी, सोती नहीं तो कोई नहीं, अपना अपनी दीदी के साथ खेलेगी, जब बच्चे जाएंगे ट्यूशन तो मैं उसको भी थोड़ी देर पढ़ा लूँगी, क्या है फिर ऐसे तो पढ़ती नहीं है ना, अब दीदियाँ जाएंगी तब उसको मैं थोड़ा अपना वो पढ़ा दूँगी। तो यहाँ पे देखिए सारे बर्तन वगैरह मेरे धुलते हैं, क्लीनिंग मेरी ऐसी होती है मतलब, और मैं आज पूरी अपना गैस, मेरा गैस पे मैंने आपको बताया था दूध भी उबाल आ गया था मुझे, गैस भी मैं साफ़ करते रहती हूँ, लेकिन आज मैं और करूँगी उसको, मतलब अच्छे से करूँगी। तो यहाँ पे देखिए सारे बर्तन मेरे धुल गए हैं, ये मैंने लास्ट मेरी ये बची है, उसके बाद मैं धोने के बाद मैं उसके बाद मैं अपने पूरी किचन की क्लीनिंग करूँगी। यहाँ पे देखिए गैस का थोड़ा सा हल्का सा दूध गिर गया था, तो गैस मैंने कहा चलो इसको आज मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं करते रह रही हूँ साफ़ वगैरह सब, और तो काफ़ी पुराना गैस है मेरा, ये काफ़ी अच्छा है मतलब जैसे ना, तो ठीक ही है जब तक चल रहा है, इसको चलाते हैं और उसके बाद देखेंगे जैसा भी होगा, मतलब जैसा भी है ठीक ही अच्छा ही है, खाना बन जाता है कुछ नहीं। और यहाँ पे देखिए मेरे बर्तन वर्तन मैंने सब नीचे रख दिए, उसके बाद जो बर्नर वगैरह है उनको भी मैंने फटाफट, क्योंकि इसमें भी हल्का सा उबाल आ गया था, तो मैं इसको भी धो रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे धोने के बाद मेरा यहाँ पे पूरी क्लीनिंग हो रही है किचन की, किचन की क्लीनिंग क्या हो रही है, मतलब जो गैस वगैरह होता है बर्तन वर्तन होते हैं इनको मैं करूँगी। उसके बाद ये करने के बाद मैं सिंक वगैरह साफ़ करूँगी, और मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर मैं यहाँ पर करने के बाद मैंने यहाँ पर गए थे सिंक वगैरह सब साफ़ किया है, सिंक साफ़ करूँगी, उसके बाद फिर मैं हो जाता है धीरे धीरे काम, मतलब ये हो जाता है सिंक जितना साफ रखो उतना अच्छा रहता है। तो बर्तन धोने के बाद मैं क्या करती हूँ, सिंक रात में भी मैं ऐसे ही करती हूँ, सिंक वगैरह सब धो देती हूँ तो अच्छे से साफ रहता है यहाँ पे। उसके बाद मैं ये कपड़े धो दूँगी, ये मेरे किचन के कपड़े हैं, ये मतलब जैसे ना वो रोटी वगैरह रखने के लिए, और हाथ वगैरह पोछने जाए तो टाउल है छोटा वाला, तो यहाँ पर तो मेरे ऐसा हो जाता है एक वो हो जाता तो एक धोती हूँ, तो ऐसे ही रहता है मेरा, एक तो मैं वैसे बिछाती हूँ, एक मेरा वो ऐसा वाला है रोटी के लिए, तो मैंने कहा इनको धो के मैं फटाफट इनको बालकनी में डाल दूँगी, तो ऐसे ही सूख जाएंगे। आज थोड़ी अच्छी धूप आ रही है, और कपड़े कुछ थे मेरे मैंने उनको उठा दिया, और कुछ रह गए हैं कि मैंने बालकनी में रख दिए। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको धोने के बाद मैं जाऊँगी बालकनी में डालने को, उसको मेरे अच्छे मतलब साफ करके डाल दिया, उसके बाद मैं यहाँ पर जा रही हूँ बालकनी में डालने के लिए, तो मैंने मेरे सूख जाएंगे यहाँ पर। तो इसके बाद मैंने बर्नर वगैरह सब साफ़ कर दिया है, तो मैं इसको अपनी जगह पर सेट कर दूँगी, ये देखिए मैंने यहाँ पे रख दिया हूँ। उसके बाद मेरी सारी क्लीनिंग हो गई है किचन की, ये देखिए अब मेरा जैसा भी है छोटा सा किचन है ये, और यहाँ पे देखिए मैंने पूरी क्लीनिंग कर दी हूँ, और थोड़ा बहुत जैसा भी है ये देखिए मेरी किचन है यहाँ पे, और यहाँ पे मेरे हैं ये, और छोटा सा क्लीनिंग कर दिया मैंने अपने किचन को, और यहाँ पे देखिए ये है। उसके बाद पे मैं कर लूँगी अपने कपड़ों की तय वगैरह, क्योंकि मेरे जो कपड़े सूखे थे मैंने उनको उठा लिया, जो गीले थे उनको फैला दिया मैंने, जो कपड़े उनके तय, तो ये है कि कपड़े जो थे मैंने फटाफट की तय लगाई। बच्चों का शाम को ट्यूशन है तो आराध्या को मैं उस समय पढ़ाऊँगी, तो ये है कि अपने समय में जितना होता है अपना काम टाइम पर कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लगी हूँ अपने कपड़ों की तय लगाने के, बस मैं इसको रख दूँगी, उसके बाद थोड़ी देर आराम करूँगी। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, मेरे वीडियो आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, बाय, धन्यवाद।